नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के राजनीतिक गांव चौटाला की दिखा रहा हूं। और इससे पहले, क्योंकि हम जब भी इस गांव में आते हैं तो आपको जननायक चौधरी देवीलाल द्वार की फ़ोटो दिखाते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ माता हरकी देवी द्वार की फ़ोटो। और चूँकि मेरा आना यहाँ इसलिए हुआ है कि पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में, तीनों ही अध्यादेशों को लेकर के जो किसान हैं वो धरने पे हैं। और चूंकि अलग अलग गांवों में महापंचायतें हो रही हैं, धरने भी दिए जा रहे हैं, और आज हम चौटाला गांव में पहुंचे हैं, क्योंकि ये कहूंगा कि राजस्थान से हरियाणा और पंजाब, क्योंकि तीन राज्यों का केंद्र है ये इलाका, और इस हाईवे के साथ ही जो किसानों ने धरना लगा रखा है, और हम धरने की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि किसानों का जो लंबा पड़ाव है वो चौटाला में चल रहा है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसान जो एकता के जो नारे हैं वो यहाँ पे लग रहे हैं। और कुछ ही किलोमीटर बाद राजस्थान शुरू होता है, हरियाणा का ये इलाका है, और यहाँ से डबवाली से जब हम दूसरी साइड जाएंगे तो बठिंडा यानी कि पंजाब का इलाका है वो शुरू हो जाता है। और चूँकि किसान हमारे साथ हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और हम इनसे चर्चा भी करते हैं, क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल का पैतृक गांव है ये, और यहाँ पे भी पक्का मोर्चा लगातार चल रहा है किसानों का, और किसान जो है लगातार जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, और हम इन किसानों से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। तो कितने दिन से धरने पे बैठे हैं, धरना कैसे चल रहा है, इस आंदोलन की बात करें? चल रहा जी हमारे यहाँ पे जी। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन? हम तो ये तीन काले कानून वो वापिस होना चाहिए। अच्छा, तीनों काले कानून। हाँ हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? हाँ जी, हमारे साथ किसान नेता हैं जो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहते हैं, चाहे NH9 NH का जो मामला हो या कुछ और तमाम जो चीज़ें हो। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? सर्वप्रथम सड़कनामा.com आप मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, और तमाम हम उन मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो मोदी राज की गोदी में नहीं बैठे हैं और किसान की कमेरे वर्ग की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। लड़ाई खेती किसानी को बचाने की है, सीधी सी बात है। मोदी सरकार तीन काले कृषि कानून लेकर के आई, कॉन्ट्रैक्टिंग खेती, आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम, बिजली का कानून। निश्चित रूप से देश का किसान अब जिस प्रकार से उठा है, दिल्ली के अंदर तमाम सीमाओं के ऊपर किसान डटा हुआ है। मोदी सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे। मैं स्वयं 76 दिन से दिल्ली किसान आंदोलन से आया हूं। हम टिकरी सीमा के ऊपर डटे हुए थे, भाजपा की सरकार ने आंदोलन के अंदर शराब बांटने की कोशिश की, शराब बांटी, हमने ऐसे लड़कों को पकड़ा और हरियाणा पुलिस को सौंपा। हरियाणा पुलिस का भादुरगढ़ का SP गया, लेकिन सुबह वो लड़के बयान बदल देते हैं, वो कहते हैं कि हमने किसान नेताओं के दबाव में ये बात कही। उसके बाद इन्होंने ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जो मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको नहीं बता सकता। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा, राजस्थान के तमाम साथी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, हम उनको लेने के लिए सांझापुर गए। तब से हम सांझापुर सीमा पर डटे हुए थे और अब वापस भी इसलिए आए हैं कि इस हरियाणा के अंदर दुर्भाग्य से भाजपा और जजपा गठबंधन की सरकार है और इनके राज में भाई विकास दौड़ रहा है रेल की रफ्तार से। किसानों के 133 ट्यूबवेल के कनेक्शन आए हुए थे, वो बिजली विभाग कर नहीं रहा था, किसानों से पैसे मांग रहा था, तीन दिन बिजली घर का गेट बंद रखा, अब वो कनेक्शन का कार्य शुरू हुआ है। और जो यहाँ आप धरने की बात कर रहे हो, तमाम गाँव चौटाला के किसानों को मैं तो अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि चौटाला के किसानों ने 3-4 बार एक बड़ी राशन सामग्री की खेप बार बार आंदोलन के अंदर पहुंचाई है। तमाम किसान साथी प्रति एकड़ 50 रुपए के हिसाब से चंदा कर रहे हैं, चंदे की राशि इकट्ठी कर करके खाद्य सामग्री टिकरी सीमा हो, चाहे वो सिंगू सीमा हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो सांझापुर हो, तमाम सीमाओं के ऊपर किसान साथी सामग्री पहुँचाएंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इस मोदी राज को मुंह की खानी पड़ेगी, निश्चित रूप से देश का किसान जीतेगा। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के, क्योंकि लंबे समय से आपके गांव में भी धरना चल रहा है? इस आंदोलन को लेकर
बात ऐसे है जी, हमारा जो गांव है उस पूरा गांव का सहयोग पहले दिन से, जिस दिन टिकरी बॉर्डर पे धरना लगा था, शाहजहाँपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर है, हमारे गांव का पूरा किसानी के झंडे के नीचे पूरा गांव एकजुट होकर चंदा जुटाकर और जो राहत सामग्री भेजी है, और आगे भी सभी किसानों की यही राय है कि अगर ज़रूरत पड़ी जिस प्रकार जो वो मांग करते हैं वहाँ के किसान, क्योंकि सारे किसान तो वहाँ जा नहीं सकते, नंबर वाइज जो नंबर 5 गए 10 गए उस तरीके से चल रहा है, और जो जिस चीज़ की वो डिमांड करते हैं जिस भी बॉर्डर पे, हमारे गांव के समस्त किसान साथी चंदा इकट्ठा करके भेज रहे हैं। अब उनकी डिमांड एक जनरेटर की आई है, तो जनरेटर के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी आने वाली है और वहाँ मच्छर वगैरह कुछ ज़्यादा है, क्योंकि शहर के गंदगी ज़्यादा होती है। तो पूरा गाँव किसानी के झंडे के नीचे सभी पार्टियाँ एकजुट है, और जब तक ये मोदी नहीं मानेगा एकजुट ही रहेंगे, और कुछ साथी यहाँ धरना चलाएंगे, कुछ बॉर्डर पे जाएंगे। तो आपने कहा कि राजनीति, हालांकि राजनीति गांव है और यहाँ से डिप्टी सीएम भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उनका रवैया इस आंदोलन को लेकर के किस तरह से है, गांव के लोगों की बात करें? गाँव के लोगों की सभी की एक राय है, गाँव के लोग तो ये चाहते हैं भी दुष्यंत चौटाला हमारे साथ आए जी। क्योंकि वो अपने आप को देवीलाल का वारिस कह रहा है, तो देवीलाल जी तो इतना टाइम कभी लगाते ही नहीं थे, उन्होंने तो पूरे देश के अंदर नेता पैदा किए हैं इसके। अब वो दुष्यंत चौटाला कह रहा है भी मेरे को टारगेट करते हैं, खट्टर को क्यों नहीं करते, तो वो तो उसमें समझ होनी चाहिए भी टारगेट उसी को करते हैं ना, उसी बेरी को पत्थर ज़्यादा लगते हैं जिसके बेर मीठे हो। अब वो इस बात को समझ नहीं पा रहा भी गाँव के लोग मेरी क्यों खिलाफत करते हैं, उसकी भलाई के लिए कह रहे थे लोग, तो भी आज हम परेशान हैं तू हमारे को साथ दे, यही बात चौधरी रणजीत सिंह पे बैठती है भी। वो चलो वो तो उनसे बुजुर्ग है भी, वो भी तो किसानों के साथ है, आज ये पूरा गांव बैठा है किसानों के समर्थन में बैठा है, इसका मतलब उनके तो हम खिलाफ ही बैठे हैं, वो तो सरकार में आज अगर वो चाहें तो वो तो राज तो दोबारा ही आ सकता है उनका, अब नहीं आएगा अगर वो इस चाल पे चलेगा ना, तो एक सीट भी नहीं आएगी, भविष्य में भूल जाए इस बात को। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। गांव के पूर्व सरपंच और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के भी प्रधान हैं प्रदीप गुदारा, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? मैं तो कहा भैया तीनों कानून वापस ले देना, टिकी टिका हुआ है, तीन महीना वोट बैठे हैं। तो आप वहाँ दिल्ली में गए थे कार्यक्रम को लेकर के, तो फिर क्या रहा उसका? मैं तो देखो आगे गया, अभी माने कोई सर सही तारीख दिया बांधी नहीं माने, तुम्हें पर मैं ठीक है मैं बताना दवांगा। जी क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के? जननायक चौधरी देवीलाल के गांव में भी किसान आंदोलन है, वो चल रहा है? ये तो बिल्कुल चल रहा है और है भी, आज भी चौधरी देवीलाल की नीतियों पे ही चल रहा है, गांव भी चल रहा है और सारे किसान भी चल रहे हैं। पर मैं तो यही कहूँगा कि भगवान इन जो देश के जो मालिक बने बैठे हैं अमित शाह और मोदी, इनको सद्बुद्धि दे और ये मालिक ना बने, ये सेवक बने और ये किसानों की बात माने जल्दी से जल्दी। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं कि इनको सद्बुद्धि दे और किसानों की बात मान ले। धन्यवाद। हाँ जी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान भी हैं प्रदीप गुदारा टिकैत से। प्रदीप जी, जिस तरह से आपने कार्यक्रम भी मांगा था और उसमें काफ़ी कई तरह की कंट्रोवर्सी भी हुई, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आंदोलन आपका जो है रेगुलर लगातार चल रहा है। हमारे गाँव के बड़े बुजुर्ग, इनकी इच्छाएं थी भी सारा इलाका या महिलाएं वहां पे दिल्ली नहीं जा पाते, चौधरी राकेश जी टिकैत को सुनना चाह रहे थे, बलवीर जी राजोवाल के विचार सुनना चाह रहे थे, वो अगर यहां पे पहुंचेंगे तो इससे इस इलाके में इस आंदोलन को और भी जागरूकता मिलेगी। पर साथ में कुछ बुजुर्ग हमारे साथी है जो वहाँ पर नहीं जा के आ पाए थे, उनकी इच्छाएँ भी थी भी वो माहौल हम देख के आए, तो हम सारी पंचायत के तौर पर सारे सदस्य जितने वहाँ जा सके कुछ धरना स्थल पर बैठे रहे। हम चौधरी राकेश जी टिकैत से मिले थे, राकेश जी टिकैत को हमने अपना अनुरोध दिया था भी आप हमारे इलाके में आए, हमने तो उनसे रखा था भी आप चौटाला गांव में पहुँचे। जब उनके साथ हम बैठे विचार विमर्श हुआ तो उसी विचार विमर्श के दौरान ये एक बात उभर के आई भी क्यों न इस प्रोग्राम को चौटाला गांव की बजाय सरसा में रखा जाए, जिससे फतेहबाद का इलाका भी, नोर बादरा और सरदूलगढ़ एरिया, इस चीज़ को इनको भी बेनिफिट मिलेगा, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। सभी की सहमति से ये तय हुआ था भी सरसा में ये प्रोग्राम होगा।
राकेश जी टिकेत ने हमें 22 तारीख की तारीख दे दी। पंचायत को बड़ी अच्छी तरह से सबको साथ में खाना खिलाया, बैठे रहे, बहुत ही स्वाद्यपूर्ण वातावरण में सभी बड़े खुश थे। हम जब वहाँ से चले तो जैसे ही मेरे को कुछ पत्रकारों के फ़ोन आए, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे हमारी फ़ोटो वायरल हो रही थी, उन्होंने पूछा भी आपका कोई प्रोग्राम इस तरह के वो गए हैं, तो मैंने बताया भी हम गांव चौटाला के वासी गए हुए थे और हमें 22 तारीख को ये प्रोग्राम दिया है। थोड़ी देर बाद ही रात को ही मेरे को और तो कोई साथी का किसान जो संगठनों से जुड़े हुए और साथी हैं उनके ज़्यादा नंबर नहीं थे, पर हमारे पड़ोसी है, हमारा ही गाँव है बारूखेड़ा, यहाँ से प्रहलाद सिंह को मैंने फ़ोन किया था रात को उसी समय। मैं क्यों यूं यूं करके एक किसान महापंचायत के लिए हमें समय दिया गया है, हमारे सरसा डिस्ट्रिक्ट का सौभाग्य है बिचौदी राकेश जी टिके तो राजोवाल साहब और सभी यहाँ पे आएंगे, तो आप और हम मिल बैठ के चर्चा करके इसकी एक रूपरेखा बनाते हैं जिससे कि ये प्रोग्राम बेहतर हो सके, सभी की भागीदारी बढ़ सके। उन्होंने कहा मैं तो 11 तारीख तक मीटिंग में बिजी हूँ, मेरी ज़रूरी मीटिंग है दिल्ली। कोई नहीं, हम इंतज़ार कर लेते हैं, अभी तो अपने पास 22 तारीख है। मैंने 12 तारीख को, मैं 12 तारीख को गुरुद्वारा तिल्ला साहब में एक मीटिंग रख लेता हूँ जहाँ पे अपन बाकी और भी जो किसान नेता है उनको इकट्ठा कर लेंगे, उनसे बातचीत कर लेंगे, किसानों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित कर लेंगे, उनको देख लेते हैं। चलो जी ठीक है। गुरुद्वारा तिल्ला साहब हमने इसलिए सुनिश्चित किया था क्योंकि गुरुद्वारा तिल्ला साहब की इस आंदोलन में बहुत बड़ा सहयोग रहा है, वहाँ पे हमें भी दूध की सप्लाई, हम वहाँ पे बैठे थे, हमारे गांव के किसानों को दूध की सप्लाई वगैरह देते थे, तो गुरुद्वारा तिल्ला साहब में हमने मीटिंग रख ली। 11 तारीख की सुबह जब मेरे पास और भी किसान संगठनों के फ़ोन नंबर आ गए तो मैं फ़ोन कर रहा था, तो उन्हीं किसान संगठनों में से किसी साथी ने मुझे बताया भी यूं यूं करके प्रहलाद सिंह जी की एक बाइट है जिसके अंदर चौधरी राकेश जी टिकेत और भी नेतागण हैं, उन्होंने स्थान तय किया है भगत सिंह स्टेडियम जी। मैं क्या कोई बात नहीं, जहाँ पे ठीक लगा है वहाँ पे कर लेंगे, कोई स्थान अपने लिए सरसा में होना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए। मैंने प्रहलाद सिंह को फ़ोन मिलाया, मैंने प्रहलाद सिंह से बात की, मैं क्या आपने शहीद भगत सिंह स्टेडियम तय किया है? कहा हाँ मैंने शहीद भगत सिंह स्टेडियम किया है। मैं क्या चलो सबसे मिल बैठ के विचार विमर्श करके तय कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, सभी की राय बन जाती, पर कोई बात नहीं आपने तय कर लिया है तो आप एक काम करो, आप एक एप्लीकेशन लगा के प्रशासन से इस जगह की मंजूरी ले लो। उन्होंने कहा भी ये मंजूरी की क्या जरूरत है, हम तो वैसे ही वहाँ पे इतने दिन से ज़बरदस्ती बैठे हैं और ज़बरदस्ती बैठे रहेंगे इतना बड़ा। मैं क्यों ज़बरदस्ती, थोड़े लोगों का बैठना एक अलग बात है, लाखों की संख्या में पब्लिक की उम्मीद है, इसलिए हमें प्रशासन से अनुमति तो लेनी चाहिए, ना कि हमें टकराव की स्थिति पैदा करनी चाहिए। चलो मैं कोई बात नहीं, आप कल आ जाओ दोपहर को, मीटिंग है 12 बजे, आप आ जाओ, हम बैठ के बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा भी मैं तो कल मुश्किल पहुंच पाऊंगा। मैं क्या जब प्रोग्राम करना है, तैयारी करनी है, तो आपका ज़रूरी मीटिंग है वहाँ वाली छोड़ के यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो जी हमारी कोई बात नहीं, हमारी 12 तारीख को तिल्ला साहब गुरुद्वारा में बाकी सारे किसान संगठन के साथी आए हुए थे, जिसमें सरदार सरवण सिंह जी विरक भी थे, जसवीर भट्टी जी भी थे, सुरेंद्र सिंह जी विरक भी थे, तिल्ला साहब गुरुद्वारा के प्रबंध कमेटी भी थी, बहुत सभी साथी थे लगभग वहाँ पे। ये चीज़ का विचार विमर्श हुआ, कुछ उनकी शंकाएँ थी, किसान साथियों को ये शंकाएँ भी थी भी ये मैं चौटाला गांव से संबंधित हूँ और चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो उनको ये भी लगा भी ये कहीं अभय सिंह जी चौटाला का प्रोग्राम तो नहीं है। वो चीज़ें भी वहाँ पे डिस्कस हुई, सारी शंकाएँ दूर होके हमने जब आगे प्रोग्राम की बात की फर्दर, तो उसमें शहीद भगत सिंह स्टेडियम के ऊपर सहमति नहीं बनी। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये थी कि प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा था, हमने डीसी साहब से भी बात की थी, डीसी साहब भी कहने लगे कि स्टेडियम उचित जगह नहीं है, आप कोई और जगह ले लो। हमने दो जगहों पर विचार किया, दशहरा ग्राउंड और नई अनाज मंडी। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से टेंट लगाने पड़ेंगे, इसलिए दशहरा ग्राउंड हमारे वहाँ पे ठीक नहीं रहा। फिर हमने सब ने विचार किया भी इसको नई अनाज मंडी में सांझी जगह है, लाख से ऊपर ज़्यादा आदमी आएंगे, प्रशासन की अगर सहायता नहीं होगी तो सारा शहर जाम हो जाएगा, लोग पहुँच नहीं पाएंगे, सड़कों पर खड़े रहेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था बढ़िया नहीं हो पाएगी। हमें नई अनाज मंडी में प्रशासन भी सहयोग दे रहा है, तो सबसे उचित जगह नई अनाज मंडी है जो कि सांझी जगह, किसी की वो भी नहीं है। प्रहलाद सिंह को फिर फ़ोन किया, प्रहलाद सिंह कहने लगे भी मैं तो आपने मीटिंग में किन को बुला रखा है? मैं कहा भी ये लोग मीटिंग में है,
कि ये तो वो लोग हैं जो हमारे मोर्चा को उखाड़ना चाहते हैं, हमारे मेरे खिलाफ़ हैं। पर्टिकुलरली 26 जनवरी को इन्होंने वहाँ पे वाद विवाद किया था। मैं क्या भ्राता मित्र, ये आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है। कोई इनमें से ही आरोप लगा रहा है, अभी पर्ची चंदा इकट्ठा करके पैसे खा गए, कोई छोटी मोटी बातें और नीच हो रही है। हम इनसे दूर उठते हैं। हम पहले सारा का सारा ध्यान सब मिलजुल के सिर्फ 22 तारीख की हमारी किसानी मजबूत हो इस चीज़ पे ध्यान लगाते हैं। आप मीटिंग में आ जाओ, वो नहीं आए। थोड़ी देर बाद उनकी बाइट आने लगी। चलो वो उनके अपने नज़रिए थे। मीटिंग में ये भी तय हुआ भी ऊपर जो संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे जो नेतागण हैं उनसे मिलके एक बार इस चीज़ पे और विचार विमर्श कर लिया जाए भी स्थान कौन सा उचित है। हम 4 या 5 लोग दिल्ली चले गए, जिसमें जसवीर सिंह जी बट्टी भी थे, विरक साहब भी थे, गुरनाम जब्बर कई साथी थे। हम जाके राकेश जी टिकेत जी से मिले, बलवीर जी राजोवाल भी थे, डॉक्टर दर्शन पाल भी थे, गुरनाम चडूनी भी थे। सभी ने एकमत होके जसवीर सिंह जी बट्टी औरों को खुद को इनको कहा भी ये प्रोग्राम हमने चुटाला गांव की पंचायत को दिया है, इनको दिया है, ये जहाँ ठीक लगे। इनकी आपको वहाँ की धरातल स्थिति आप लोगों को ज़्यादा पता है, आपको स्टेडियम की बजाय प्रशासन अगर वहाँ अनुमति देता है तो आप प्रोग्राम वहाँ कर लीजिए। हम आके वापिस तैयारी करने लगे जी, वापिस तैयारी करने लगे। हमने 10वें पातशाह गुरु गुरुद्वारा में मीटिंग फिर हुई, इस लिए भी रूपरेखा बनाई जाए, गांव गांव में प्रचार प्रसार किया जाए। वहाँ पे हमने नेताजी प्रहलाद सिंह जी बारूखेड़ा को फिर फोन किए कि आप आ जाइए, ये कोई जगह बड़ा मुद्दा नहीं है, जहाँ पे सब पब्लिक की सुविधा हो वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं और हम इसमें कोई हठधर्मी नहीं चाहते भी प्रोग्राम यहीं पे हो। मेरे आग्रह पे 4 साथी, सरदार सुरजीत सिंह जी एलाहाबाद, सुरेंद्र सिंह जी विरक, मम्मू सरपंच बहाउद्दीन, एक दो साथी और भी थे। मैं क्यों एक बार उनसे फिर बात कर ली जाए, ये अच्छा नहीं रहेगा मीडिया में या देश भर में इस चीज़ का कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा अगर हम इस तरह से बैठते हैं। वो लोग बकायदा उनके पास गए, उनसे ये रिक्वेस्ट की। मेरे हिसाब से जिन लोगों का मैंने नाम लिया है वो बड़े सीनियर साथी थे मेरे का, मैंने कहा मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा, मेरी बात भी करवा देना बेशक, आप कहें तो मैं भी वहाँ चल पड़ता हूँ। हमें चुटाला गांव वालों को ना तो मंच चाहिए था, हम ना तो मंच पे जाने के लिए तैयार थे, ना हमारे बुजुर्ग साथी। हम तो ये चाहते थे प्रोग्राम बढ़िया हो जाए, हम तो नीचे ज़मीन पर बैठ के प्रोग्राम सुन लें, हमारी इसी में खुशी थी और आज भी इसी में खुशी है। हमने ये बात उनको भी रखी भी आप किसान जो संगठन है वो प्रोग्राम कराए, प्रोग्राम पंचायत को दे दिया, हम तो आपके साथ मिलके गांव गांव में प्रचार प्रसार करने में आपका सहयोग करेंगे, हमारा गांव बहुत बढ़ चढ़ के आएगा। हमें मैंने तिल्ला साहब गुरुद्वारे, मेरे पास है उसकी रिकॉर्डिंग भी है, तिल्ला साहब गुरुद्वारे में इन स्पष्ट कहा था हमें मंच नहीं चाहिए, ना ही हमने किसी राजनेता से बात करनी, ना ही किसी से ये बात करनी भी आप आओ आप ना आओ, आप किसान संगठन जाने सारे एकता करके जो प्रोग्राम करना चाहें उसी पे कर ले। हमें तो यहाँ पे राकेश जी टिकेत के विचार सुनवा दें, हमारी ये इच्छा। प्रहलाद सिंह जी हमारे नहीं माने, लास्ट में जो वहाँ पे जितने सदस्य थे उन्होंने कहा भी हम अपनी तैयारी करते हैं, हम अपने प्रोग्राम बनाने स्टार्ट कर दिए, गांव गांव में प्रचार प्रसार के लिए स्टार्ट कर दिए। कहीं से किसी साथी ने एक ऑडियो क्लिप भी बना के अनाउंसमेंट भी स्टार्ट कर दी। रात्रि को लगभग 7:30-8 बजे चौधरी राकेश जी टिकेत का फोन आया, वो पूछ रहे थे प्रोग्राम की तैयारी कैसी चल रही है। बात करते करते उन्होंने कहा भी मेरे पास संयुक्त मोर्चा में कोई 2 साथी पूछ रहे थे भी प्रोग्राम 2 जगह है क्या, ऐसा कुछ है क्या। मैं कह जी अभी तक थोड़ा सा लग रहा है, हालात भी मनाने की कोशिश है लेकिन हालात लग रहे हैं। तो कहने लगे आपका क्या गांव वासियों का, मैं कह जी हमारा एक बार आप तैयारी भी प्रॉपर नहीं हो पा रही और इस वजह से थोड़ा सा एक खटास भी माहौल बना हुआ है जी। हम एक जगह सांझी जगह करेंगे, आप एक बार बेशक ये प्रोग्राम स्थगित करके अपना कीमती समय कहीं और लगा दीजिए, आपसे दोबारा बातचीत करके प्रोग्राम ले लेंगे। उसके बाद हमने शाम को
कहीं हमारे इस प्रोग्राम की वजह से किसी तरह से संयुक्त किसान मोर्चा का समय खराब होता हो और यहाँ के किसानी भाईचारा में कोई फर्क पड़ता हो, ये हमें उचित नहीं लगे। इसलिए हमने एक बार हमारी रिक्वेस्ट में ये प्रोग्राम स्थगित हुआ था, आगे की रूपरेखा फिर ग्राम पंचायत जैसे कहेगी। 23 को सिरसा में फिर पंचायत हो रही है, महा पंचायत किसानों की, तो क्या उसमें भी संयुक्त मोर्चा के जो लोग आएंगे आपको क्या लगता है? नहीं, मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता जी, उसमें संयुक्त मोर्चा के आएंगे या नहीं आएंगे। मैं तो जो हमें प्रोग्राम मिला था उस पे बता सकता हूँ। इस प्रोग्राम का अभी तक हमें अंदाजा नहीं है, हमने जरूर मीडिया में बात सुनी है, अभी तक सारे ग्रामवासी बैठे हैं, हमारे पास इस तरह का कोई समाचार या न्यूनतम। पहले पंचायत गई थी, क्या फिर से कार्यक्रम को लेकर के कोई रूपरेखा तैयार करेगी ग्राम पंचायत चौटाला या इस तरह के कोई आगे आगे के कोई आयोजन को लेकर? नहीं, बिल्कुल करेंगे जी। 100% ये तयशुदी बात है भी ये इलाका हर हालत में चौधरी चरण सिंह जी आए, उनके साथ और भी नेतागण आए तो हमें मजबूती भी मिलेगी और हमारा भाईचारा और बढ़ेगा। इसके लिए आगामी थोड़े ही दिनों में निराश होने की जरूरत नहीं है, नई तारीख घोषित कर दी जाएगी जिसके अंदर सारे नेतागण आएंगे। ये तय कुछ और भी है हमारे साथ है, क्योंकि तमाम जो कुछ लोगों की शंकाएं थी उसको लेकर के हमने बात करी। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? इस आंदोलन को लेकर यही कहना चाहेंगे जी, ये काले कानून वापस लो जी, किसान की बात सुनो जी। किसान 3 महीने से धरने पर बैठे हैं, मर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा इनकी बात जी। सारे लोगों की यही है, यही राय है। धन्यवाद। तो आपने देखा गांव चौटाला से इस वक्त जो लाइव तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम गांव के लोगों से हमने चर्चा करी, कुछ और लोगों से भी हम चर्चा करते हैं, कुछ और नई चीज़ हमें पता चले। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? हम जब तक ये हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं लेते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन इसी तरह से जारी है। धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।